हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर किड्स। दिस इज़ योर दिव्या मैम एंड टुडे आई विल बी टेलिंग अप काउंटिंग फ्रॉम 0 to 10 एंड आई विल आल्सो टेल यू हाउ टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। कैन यू सी चिल्ड्रन, देयर इज़ अ ब्लॉक ट्रेन ओवर हियर। दिस इज़ माय नंबर ट्रेन एंड द नंबर्स आर 0। सो वी स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 0। देन द नेक्स्ट नंबर इज 1, देन 2, after 2 it would be 3, then 4, then after 4 it's 5, after 5 6, after 6 next number is 7, then 8, then 9 and then 10. So hamara pehla number hota hai number 0. Then hamara second number hota hai 0 ke baad 1, then 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9 एंड 9 के बाद लास्ट में आता है 10। सो हमारी काउंटिंग हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी हाउ टू काउंट। लेट्स बिगिन। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन आई विल बी शोइंग यू फ्यू ऑब्जेक्ट्स एंड देन वी विल बी काउंटिंग दोज ऑब्जेक्ट्स एंड लेट्स सी। नाउ चिल्ड्रन, कैन यू सी एनी ऑब्जेक्ट ओवर हियर? क्या आपको यहाँ पे कोई चीज दिख रही है पड़े हुए? नहीं ना। तो जब हमारे पास कोई भी चीज नहीं होती है जिसको हम काउंट कर सके, तो हमारे पास नंबर क्या होता है? 0। सो व्हेन वी डोंट हैव एनीथिंग टू काउंट, then our number will be 0. So our first number is 0. Next number is what comes after 0? It's 1. And can you see someone coming over here? Yes, it's a tortoise. ये कछुआ है ना, tortoise है ना? और कितने tortoise हैं यहाँ पे? 1. So this is number 1. Now children, let's come to another number. So after 0 and 1, which number would come? Can you see this pink block? Which number is written over here? It's number 2. So it means we have to count 2 objects. Yani hame do cheezon ko count karna padega, hai na? So I have these 2 objects with me. Okay? So let's count 1 and 2. How many pens are there? 2. 1 एंड 2, सो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर 2। आफ्टर नंबर 2 द नेक्स्ट नंबर विच कम्स अप इज, कैन एनीवन टेल मी? यस, इट्स नंबर 3। कैन यू सी हाउ मेनी मार्कर्स आर देयर? 1, 2, 3। सो नंबर विल बी 3। यहाँ पे 3 मार्कर्स हैं, 1, 2, 3। सो हमारा नंबर कितना हो गया? 3। नाउ आफ्टर 3 द नेक्स्ट नंबर विच कम्स अप इज, कैन एनीवन टेल मी? नंबर 4। वेरी गुड। सो लेट्स काउंट। आई हैव दीज चॉकलेट्स विद मी। कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी आर दीज? दिस इज 1, 2, 3, 4। मैम के पास जो है कुछ चॉकलेट्स हैं, ठीक है? अब हम काउंट करते हैं कि वो कितनी चॉकलेट्स हैं। हमने काउंट करना स्टार्ट किया, 1, then 2, then 3, and then 4। ओके, सो आर नंबर विल बी 4। हमारा नंबर क्या हुआ? 4। आफ्टर 4 द नेक्स्ट नंबर विच कम्स अप इज, I don't know. You please tell me which number comes up.
ओके लेट्स सी, आई हैव दीज पेंसिल्स विद मी, मेरे पास ये पेंसिल्स हैं। अब हम इनको काउंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा 4 के बाद क्या नंबर आता है। सो दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5। सो हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर, कितनी पेंसिल्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। सो हमारा नंबर कितना हो गया, 5। ओके आफ्टर 5 विच नंबर कम्स अप, यस इट्स नंबर 6, इजंट इट। नाउ लेट्स सी हाउ टू काउंट 6 थिंग्स, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। सो दीज आर 6 इरेजर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इट विल बी वेरी गुड चिल्ड्रन इफ यू टेक अप वन थिंग और इफ यू कीप द फिंगर ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देन यू काउंट वन बाय वन। ओके इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू रिमेम्बर, बहुत अच्छा होगा बच्चों अगर आप लोग जो है फिंगर रख रख के चीज़ों को काउंट करो, ताकि उससे आपको जल्दी याद हो जाए और आपको काउंट करना भी ईजीली आ जाए। ओके सो दिस इज 1, लाइक आई एम कीपिंग द फिंगर ऑन एवरी ऑब्जेक्ट एवरी इरेजर, लाइक वाइज यू हैव टू डू 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो दीज आर 6 इरेजर्स, ये कितने इरेजर हैं, 6 इरेजर्स हैं। After 6, the next number which comes up is, okay, let's count the objects first and then we will see which number comes after 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, how many sharpeners are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sharpeners are there. So, this is number 7. Okay? यहाँ पे कितने sharpeners अभी हमने count करे थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sharpeners हैं, तो हमारा number क्या हो गया? 7. After 7, the next number which comes up is number 8. Now let's count 8 objects. 1, 2, I have few packets of biscuits with me. Now let's count how many are these. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, how many packets are there? 8. So, our number is 8. So, children, now after number 8, which number comes up? Let's count the objects and see. 1, 2, I have few mirrors with me. मेरे पास कुछ mirrors हैं, कुछ शीशे हैं. हम उनको count करते हैं और देखते हैं कि कितने हैं वो. 1, 2, 3, देखो मैं कैसे फिंगर रख रख के काउंट कर रही हूँ, तो मेरे लिए कितना इजी हो रहा है. आप लोग भी अगर फिंगर रख के काउंट करोगे तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा. देन 4, अगर हमारे पास पिक्चर्स बनी हो, अगर हमारे पास, ये तो हमने चीज़ें ली, अगर हमारे पास पिक्चर्स हों, वी हैव टेकन द ऑब्जेक्ट्स बट इन केस वी आर सीइंग जस्ट द पिक्चर्स देन ऑल्सो वी कैन कीप द फिंगर एंड वी कैन काउंट द ऑब्जेक्ट्स. अगर हमारे पास सिर्फ पिक्चर्स बनी हुई हैं और हमें काउंट करना है कि कोई चीज़ कितनी है, तब भी हम फिंगर रख रख के हम काउंटिंग करना सीख सकते हैं कि वो कितनी चीज़ें होंगी. ओके 5, 6, 7, 8 and 9. सो आई हैव 9 मिरर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is number 9. Okay. Now after 9, which number comes up? Can anyone tell me?
which would be the number? Okay, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So how many colors are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So these are 10 colors. This is number 10. So I hope, children, you must have enjoyed the counting and how you must have learned how to count the objects, and you can do it on your own now. Okay? So I hope aapko बहुत मज़े से आपने सीखा हो और आपको पसंद आया हो और आपको समझ भी आ गया हो कि हम चीज़ों को कैसे काउंट करते हैं और हमारी 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग कैसे होती है. ओके, सो एक बारी आप लोग भी घर पे ट्राई करना. ऑलराइट, सो इफ़ यू हैव लाइक माय वीडियो, इफ़ यू हैव एंजॉयड माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.